इंडिया में तो ढेर लगा हुआ है कंपनीज का, जिनमें टाटा है, फोर्स है, महिंद्रा है, किया है, लैंड रोवर है, जैगुआर है, मर्सिडीज को और बीएमडब्ल्यू तक को इंजन बना के एक्सपोर्ट करते हैं। हम लोग जो है ना वो कार्स इंपोर्ट करते हैं या फिर असेंबलिंग होती है, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती कार की, जबकि इंडिया कार्स मैन्युफैक्चरिंग करता है खुद। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद सोहेल और आप लोग देख रहे हैं टॉपिक रिएक्शंस। तो यार ऐसा है कि आज मैं बहुत ही डिफरेंट वीडियो देखने जा रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है ये पिछले कुछ दिनों से। ये बेसिकली कंपैरिजन है पाकिस्तानी और इंडियन कार्स का। इस वीडियो का टाइटल है लेटेस्ट कंपैरिजन बिटवीन पाकिस्तानी एंड इंडियन हैचबैक कार्स इन उर्दू स्लैश हिंदी। और मुझे लगता है ये किसी पाकिस्तानी चैनल की वीडियो है, क्योंकि चैनल का नाम देखकर मुझे जो है ना वो अंदाज़ा हो रहा है। और अगर ये पाकिस्तानी वीडियो हुई तो ये पहली वीडियो होनी है जिसकी रिक्वेस्ट जो है वो इंडियंस कर रहे हैं इसको देखने के लिए। खैर, पाक automobiles.com चैनल की ये वीडियो है। इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक और इस चैनल का लिंक आप लोगों को मेरी डिस्क्रिप्शन की टॉप में मिल जाएगा, वहाँ से जाके चेकआउट कर लेना। और मेरी वीडियो भी मेरे साथ मिलकर लास्ट तक देखना। अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कॉमेंट और इंस्टा पर फॉलो ज़रूर करना। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जैद हाशमी और आप देख रहे हैं पाक ऑटोमोबाइल। हाँ जी, पाकिस्तानी चैनल है ये। और पाकिस्तान और दुनिया भर की गाड़ियों के कंपैरिजन और रिव्यूज देखना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए है। तो दोस्तों आज हम कंपैरिजन करेंगे इंडिया और पाकिस्तान में बनने वाली गाड़ियों का। वैसे अगर देखा जाए तो पाकिस्तानी कार इंडस्ट्री का इंडियन कार इंडस्ट्री से कोई मुकाबला बनता ही नहीं। बिल्कुल, क्योंकि वहाँ 30 के करीब मारूफ कंपनियां कार मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं, जबकि यहाँ पाकिस्तान में सिर्फ 3, और वो भी सिर्फ कार असेंबली। बहुत बड़ा डिफरेंस है ना। इंडिया में 100 से ज्यादा मुख्तलिफ गाड़ियों के मॉडल तैयार हो रहे हैं, जबकि पाकिस्तान में कोई 10 से 15 के करीब कार मॉडल तैयार हो रहे हैं। इंडिया गाड़ियाँ एक्सपोर्ट करता है, जबकि हम पुरानी जापानी गाड़ियाँ इम्पोर्ट करते हैं। इंडिया में बनने वाली हैचबैक मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू को जो है ना एक्सपोर्ट किए जाते हैं इंजंस तकरीबन इंडिया की तरफ से, टाटा ग्रुप की तरफ से। वहां पैसेंजर सेफ्टी का भी ख्याल रखा जाता है, हाँ, जबकि पाकिस्तान में पैसेंजर सेफ्टी ना होने के ऐसा कुछ भी नहीं है। इसी तरह कंफर्ट फीचर्स का भी यही हाल है। पाकिस्तान में कई कई साल गाड़ियों के मॉडल और जनरेशन को भी चेंज नहीं किया जाता, जिसकी वजह से अक्सर गाड़ियां इंडियन गाड़ियों से 1-2 जनरेशन पीछे हैं। इसी तरह एमिशन स्टैंडर्ड का भी यहाँ कोई खास कानून नहीं है और अभी तक यूरो 2 चल रहा है। हाँ, ऐसा ही है। जबकि वो यूरो 2 है अभी तक। इंडियन इस साल यूरो 6 लाने की तैयारी कर रहे हैं। पाकिस्तान में क्रैश टेस्ट की भी कोई पाबंदी नहीं और अक्सर गाड़ियों की क्रैश रेटिंग मौजूद ही नहीं। तो चलिए देखते हैं कि हमारे साथ क्या धोखा हो रहा है। तो दोस्तों जितना पाक सुजुकी ने हमें लूटा है उतना किसी और ने नहीं लूटा। सबसे पहले बात करते हैं महरान की। महरान एक 1980 की दिहाई की गाड़ी है, जो कि मौजूदा दौर का कोई भी तकाजा पूरा नहीं करती। इसमें ना कोई सेफ्टी बहुत महंगी है, ये गाड़ी बहुत महंगी है और अभी तो पिछले कुछ दिनों में अच्छी खासी और महंगी हो गई है। चल रही है और सिवाय यूरो 2 के कोई भी तब्दीली नहीं की गई, जबकि कीमत हर साल बकायदगी से बढ़ाते हैं। इस वक्त महरान VXL 8,60,000 रुपए की मिल रही है। मारुति 800 जो की महरान की बेहतर शक्ल थी, फरवरी 2013 में बंद हो चुकी है। ख्याल रहे कि मारुति 800 यूरो 3 थी और इंडिया में यूरो 4 गाड़ियों का कानून आने की वजह से इसे बंद करना पड़ा। बहरहाल अल्लाह करके महरान 2019 में आखिरकार बंद हो रही है, इसकी जगह अल्टो 660 सीसी। हाँ, भी नई ये गाड़ी आई है। 10 लाख तक बताई जा रही है, जबकि इंडिया में मारुति अल्टो 5 से 6 लाख रुपए में मिल जाती है। अब बात करते हैं वैगनार की, जो कि एक जापानी शेप की गाड़ी है, क्योंकि ऐसी डब्बा नुमा गाड़ियाँ जापान में कम जगह घेरने और अंदर से ज्यादा स्पेस देने के लिए बनाई जाती है। ये समझ लें कि पाकिस्तान की दूसरी महरान है। जो वैगनार पाकिस्तान में असेंबल हो रही है वो जापानी वैगनार से 2 जनरेशन पीछे है, जबकि इंडियन वैगनार से 1 जनरेशन पीछे है। पाकिस्तान में इसमें कोई सेफ्टी फीचर नहीं दिया जाता और ना ही कोई कम्फर्ट का फीचर दिया जाता। ऐसा तो नहीं है, कीमत सबसे ज्यादा ली जाती है। अब हम कंपेयर करते हैं जापानी, इंडियन और पाकिस्तानी वैगनार को। जापानी वैगनार टॉप ऑफ द लाइन है, जो कि थर्ड जनरेशन में आती है। इसमें LED प्लस ऑटो हेडलैम्प्स
ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, पुश स्टार्ट, फ्रंट सीट हीटेड, डुअल एयरबैग, डुअल सेंसर ब्रेक स्पोर्ट, लेंसेस, ओमनी डिस्प्ले कैमरास, ESP, ABS एंड हिल असिस्ट के साथ साथ EBD भी आता है। जबकि इंडियन वैगनआर जो कि सेकेंड जनरेशन में आती है, इसकी कीमत 8 से 11 लाख रुपए है। इसमें अलॉय व्हील्स, 4 स्पीकर, पाकिस्तानी रुपीस की बात करें 8 से 11 लाख, इंडिया में हाफ हो जाएगा इसका मतलब। रिमोट फ्यूल लेट, रिमोट टेल गेट, ABS, EBD, हेडलाइट, लेवलर, टेल वाइपर, ऑटो ट्रांसमिशन दी जाती है। जबकि पाकिस्तानी वैगनआर फर्स्ट जनरेशन है, उसकी कीमत 12,24,000 से 13,14,000 तक है। क्रैश टेस्ट इसका हुआ ही नहीं है कि कोई रेटिंग मौजूद नहीं है, और बल्कि यार अब तो ज्यादा हो गई है। ये 12-13 तो ये पुराना फिगर बता रहे हैं। ओनली फ्रंट व्हील, पावर विंडो, सेंट्रल लॉकिंग, इमोबिलाइजर, डब्बा है पूरा डब्बा। नो ABS, नो EBD, नो अलॉय व्हील, ओनली 2 स्पीकर, नो टेल वाइपर। इसी तरह बात करते हैं स्विफ्ट की, जो कि पाकिस्तान में अभी तक फर्स्ट जनरेशन चल रही है, जबकि इंडिया में थर्ड जनरेशन और जापान में इसकी फोर्थ जनरेशन चल रही है। इंडिया में ये 2005 में लॉन्च हुई थी फर्स्ट जनरेशन, 2011 में सेकंड जनरेशन और 2018 में थर्ड जनरेशन इसकी लॉन्च हुई थी। माइल पेट्रोल 22 कंपनी क्लेम करती है, जबकि डीजल पे 28.4। प्राइस इसकी 10 से 15.5 लाख पेट्रोल और 12 से 17.5 लाख डीजल है। इसमें 2 एयरबैग, ब्रेक असिस्ट, अलॉय व्हील, स्पीड सेंसिंग डोर लॉक, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, पुश स्टार्ट, पार्किंग सेंसर, पार्किंग असिस्ट कैमरा, LED लैंप्स, ऑटो हेड लैंप्स, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स और वॉइस कमांड मिलती है। जबकि पाकिस्तान में अभी तक फर्स्ट जनरेशन चल रही है, ये 2010 में लॉन्च हुई थी। प्राइस इसकी है मैनुअल की 15,55,000, जबकि ऑटो की 16,91,000। इसकी माइलेज 10 से 15 किलोमीटर पर लीटर। क्या करे बंदा। इसमें ABS, EBD, इमोबिलाइजर, सेंट्रल लॉकिंग, पावर विंडोज और पावर स्टीयरिंग दिया जाता है। जबकि इसमें नो एयरबैग, नो क्रूज कंट्रोल, नो लाइन असिस्ट, नो रिफ्लेक्टर लैंप, नो रियर वाइपर, नो फ्रंट और रियर कैमरा, नो ट्रैक्शन कंट्रोल एंड नो ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों अब बात करते हैं सुजुकी कल्टस की, जो कि इंडिया में मारुति सुजुकी सिलेरियो के नाम से आती है, क्योंकि बाकी दुनिया में सुजुकी सिलेरियो के नाम से आती है। पाकिस्तान में ये लेस इन फीचर और मोर इन प्राइस है। सबसे पहले बात करते हैं इंडिया की। इंडिया में इसकी प्राइस 8,72,000 से 11,10,000 पाकिस्तानी रुपए है। ठीक है। इसकी माइलेज 23.1 किलोमीटर पर लीटर पेट्रोल, जबकि 31.79 किलोमीटर पर लीटर CNG से है। इसमें ABS विद EBD, इमोबिलाइजर, स्पीड सेंसिंग डोर लॉक, 2 एयरबैग्स, सेंट्रल लॉकिंग, रियर वाइपर, रियर कैमरा, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल मिलते हैं। जबकि जो पाकिस्तान में है उसकी प्राइस VXR 14,10,000, VXL 15,31,000। ये भी प्राइसेस कम बता रहे हैं यार, प्राइसेस ज्यादा अपडेट हो गई हैं। 16,31,000। इसमें 2 एयरबैग, ABS, EBD, AC और हीटर मिलते हैं। ये VXL में मिलते हैं, जबकि VXR में कुछ भी नहीं मिलता सिवाय डिफॉगर, इमोबिलाइजर और कीलेस एंट्री, पावर विंडो और पावर डोर के। इवन के VXR में 12 वोल्ट डॉक भी आपको नहीं मिलता। इसके अलावा इसमें नो रिट्रैक्टेबल मिरर्स, नो ट्रैक्शन कंट्रोल। इसके अलावा VXL में भी ट्रैक्शन कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, ब्रेक असिस्ट, रियर सेंसर, रियर कैमरा और पार्किंग असिस्ट और रियर वाइपर नहीं मिलता। इसके अलावा पाकिस्तान में FAW V2 है, जो कि चाइनीज गाड़ी है। उसकी कीमत 12,30,000 है। ये गाड़ी भी ओवर प्राइस्ड है, जबकि ये 1300cc है। इसी तरह यूनाइटेड ब्रावो अभी अभी लॉन्च हुई है। ये 800cc गाड़ी है, जो कि बहुत अच्छे फीचर के साथ मिलती है, लेकिन इसकी कीमत भी बहुत ज़्यादा है, जो कि 8,50,000। इंडिया में इसके अलावा भी बहुत सारी हैचबैक गाड़ियाँ बन रही हैं, जिनके नाम और कीमतें कुछ इस तरह हैं। डैटसन गो 7,40,000 से 11,00,000 तक इसकी प्राइस है। याद रहे कि ये सारी कीमतें पाकिस्तानी रुपए के हिसाब से। मारुति सुजुकी बालिनो 10,93,000 स्टार्टिंग प्राइस। हुंडई सेंट्रो 7,73,000, 9,80,000, हुंडई i20 10,90,000, मारुति सुजुकी अल्टो 5,60,000,
ये इंडिया में सबसे ज्यादा चलने वाली गाड़ी है। रेनॉल्ट क्विड 5,54,000, टाटा टियागो 6,75,000, वॉक्सवैगन पोलो 11,21,000। खत्म। तो यार इस वीडियो में इस बंदे ने जो है ना खुल के पूरा जो है ना वो सच बोला है, आईना दिखाया है। मुझे अंदाज़ा था वीडियो शुरू होने से पहले कि इस वीडियो में ऐसा कुछ होना है, क्योंकि यार कंपैरिजन बनता ही नहीं है। हम लोग जो है ना वो कार्स इंपोर्ट करते हैं या फिर असेंबलिंग होती है, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती कार की, जबकि इंडिया जो है वो कार्स मैन्युफैक्चरिंग करता है ख़ुद। बल्कि मैंने वो अभी ये ऑटो एक्सपो हुआ है आप लोगों का ना 2020 वाला, उसमें मैंने काफ़ी सारी वीडियोस देखी थी। स्पेशली मैंने वो फोर्स मोटर्स की वीडियो देखी थी, आप लोगों ने रिकमेंड की थी। अगर आप लोगों ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो यहाँ ऊपर कहीं लिंक आ रहा होगा, वो वीडियो भी लाजमी देखना। तो उस वीडियो में दिखाया गया था कि फोर्स मोटर्स जो है वो मर्सिडीज़ को और BMWs तक को इंजन्स बना के एक्सपोर्ट करते हैं। और यार इंडिया में तो ढेर लगा हुआ है कंपनीज़ का, जिनमें टाटा है, फोर्स है, महिंद्रा है, किया है, लैंड रोवर है, जगुआर है। ये नाम तो वो हैं जो सिर्फ मुझे याद हैं, इसके अलावा जो मुझे नाम नहीं याद उनकी भी एक लंबी चौड़ी लिस्ट होनी है। और कंपैरिजन करें अगर पाकिस्तान के साथ, तो यहाँ पर तो सिर्फ गिनती की तीन कंपनीज़ हैं जो यहाँ पर काम कर रही हैं, जिनमें सुजुकी है, टोयोटा है और होंडा है। और ये इन कंपनीज़ का राज है पूरे मुल्क के ऊपर, ये किसी और कंपनी को आगे ही नहीं आने देती। और अगर कोई हुई भी और कोई कंपनी जो मेरे पते में नहीं है, क्योंकि हम लोग रोड पे ज़्यादातर इन्हीं कंपनीज़ की गाड़ियाँ देखते हैं यहाँ पे, हाँ अगर कोई हुई भी तो वो भी गिनती की दो तीन कंपनीज़ होनी है, इससे ज़्यादा कंपनीज़ नहीं होंगी पाकिस्तान में। और अगर कार्स की प्राइसेस की बात करें तो यार आपके यहाँ कार्स की मैन्युफैक्चरिंग आपके घर में होती है, तो जबकि हम लोग कार जो है वो इम्पोर्ट करते हैं, बाहर से मंगवाते हैं। और जब भी हम लोगों को महंगी पड़ती हैं, और स्पेशली जब से हमारी ये नई गवर्नमेंट आई है, तब से तो गाड़ियों की जो कीमतें हैं उनकी प्राइसेस उनको पर लगे हुए हैं, आउट ऑफ रेंज हो गई है गाड़ी। मैं अगर इसी ये वैगन आर गाड़ी जिसका इसमें जिक्र किया गया है, इसकी मैं अगर बात करूं तो आज से कोई हार्डली 1.5 से 2 साल पहले की बात है, यही गाड़ी 11 से 12 लाख की रेंज में आसानी मिल जाती थी। और अगर अभी ये पिछले 1 साल के दौरान इस गाड़ी की प्राइसेस को इतने पर लग गए हुए हैं कि यही गाड़ी जो है ना वो 16 से 17 लाख रुपए में इस वक्त मिल रही है। ये हाल है हमारी मार्केट का। तो अगर कंपैरिजन करें, मैं फिर बात करूंगा इंडिया के साथ कंपैरिजन की, क्योंकि ये वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर बेस है। तो आपके यहाँ रतन टाटा जैसे यार बंदे मौजूद हैं जो कि एक आम बंदे की, जिसकी एक लिमिटेड सी इनकम होती है, उसके लिए भी उस बंदे ने गाड़ी बना दी है, तो फिर अब मैं क्या करूँ कंपैरिजन, मुझे आप ख़ुद बताएं। आजकल जो है ना वो मेरा छोटा भाई गाड़ी लेने के मूड में है, काफ़ी अच्छी खासी सर्चिंग कर रहा है, जब भी उसे बात करो तो वो गाड़ी का जिक्र करता है। तो मैं यही सोचा था कि उसको मैं बोलूं कि भाईजान इंडिया से इंपोर्ट कर ले गाड़ी, क्योंकि हमारे यहाँ पे तो कोई हालात नहीं है, पैसे इन्वेस्ट करके भी कचरा ही ख़रीदने वाली बात है। काफ़ी खून जला है यार मेरा ये वीडियो देख करके कि किस तरह हम लोगों को यहाँ पर पागल बनाया जा रहा है। अब और मैं क्या बोलूँ, वीडियो तो काफ़ी अच्छी थी, बल्कि आँखें खोल देने वाली वीडियो थी। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर क्लोज़ करता हूँ। पाक ऑटोमोबाइल चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन की टॉप में मिल जाएगा, वहां से जाके इनके चैनल को और इस वीडियो को ज़रूर देखना। और मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब और इंस्टा पे फॉलो ज़रूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह किसी और अच्छे टॉपिक के साथ, किसी और अच्छी वीडियो के साथ आप लोगों की सजेस्ट की हुई। तब तक के लिए अपना भी ख्याल रखना, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखना, और मुझे दुआ में याद रखना। खुदा हाफिज़।